नमस्कार शुभ सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु माथुरी प्रथमे हेडलाइंस यूपी परे मध्य प्रदेश रे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे हिताधिकारी को सह कथा हे पीएम मोदी उपस्थित रहिबे राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोनसे जणे पे हिताधिकारी योजना रो वंचित न हेबा नै सचेतनता कार्यक्रम टोकियो रे बढ़ुछि पदक आशा अच्छी ओलंपिक रे आसीपर एकाधिक मेडाल आदित्य अशोक नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया ठारु पदक आशा रखी देश क्यारम खेल महाभारत राजधानी पलाशुणी मुंडा साहि बस्ती में गोष्ठी संघर्ष तीस अधिक युवक आतंक राज गोड़ाई गोड़ाई हाणिले गाड़ी घर भांगे सीसीटीवी रे कैद होगा दृश्य जनक गिरफ्त कला पुलिस चिकित्सार डाक्तर भयंकर त्रुटि गोड़ ऑपरेशन आसी रोगी मृत्यु झारसुगुड़ार एक घर डाक्तरखाना ना आसला संकीर्ण अभियोग आनास्थेसिया ओवरडोज जो मृत्यु होता कहे पर एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला सबुठ निराश होगा पर न्याय प्रधानमंत्री को गुहारी केन्द्र गृहमंत्री और केन्द्र शिक्षामंत्री को लिखित जन सौम्य बापा 25 दिन पर भी मिललानी न्याय दस वर्षर झील मामा को मिला नुआ आशा पूरण है पाठ पढ़ार स्वप्न मां को देहांत पर तीन भाई भौनी को मां साजिता मामा अर्गस रे खबर प्रसारण पर असहाय को कोलाई जड़े समाजसेवी आसो संपूर्ण खबर को यूपी रे 15 कोटी रो ऊर्ध हिताधिकारी आलोचना पर आज मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे सामिल हिताधिकारी कथा हेबे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे हिताधिकारी जोगाजोग करिबे प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश रे अगस्त 7 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस भाबे पालन करा जिवो ए अवसर रे राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहिबे पीएम जीकेएवाई अधीन रे मध्यप्रदेश रे 4.83 कोटी हिताधिकारी 25,000 रु अधिक उचित मूल्य दुकान रु मागणा राशन पाई योजन जपरी कौन से योग्य हिताधिकारी वंचित न होंते से एक सचेतनता अभियान आरंभ करिछंती मध्यप्रदेश सरकार आज ओलंपिक्स रे भारतर रही 4 इवेंट महिला विभाग रे व्यक्तिगत भाव गल्फ्रे दिस्का दगर व आदित्य अशोक उपरे नजर रपर्त आदित्य भल प्रदर्शन करथिबा बेले पदक जितिबा नै सुजक रही जाभलिन फाइनाल रे नीरज चोपड़ा ठारु पदक आशा क्वालिफिकेशन राउंड रे प्रथम प्रयास रे 86.65 मीटर जाभलिन थ्रो करी टॉप रे थिले नीरज सेपटे 65 किलोग्राम वर्ग रे ब्रोंज पाइ लढ़िबे भारतर स्टार रेसलर बजरंग पुनिया ए बाबदर अधिक सूचना पाई आम सहित फोनलाइन आम रिपोर्टर जोड़े रही सुशांत साहू सुशांत ओलंपिक रे आज 4 इवेंट रही कौन आशा करा जाउछे देखंतु आपण जो कहिले जो इवेंट गुडी को आज अच्छी सब गुडी को भारतर पदक इवेंट आपण जानिछंती अदिति अशोक जे की भारतर महिला गल्फ खेलाड़ी जी की 2016 रियो ओलंपिक रे मात्र 18 वर्ष बयस रे डेब्यू करथिले एवं कहगले से गोटे रिकॉर्ड करथिले तादरे तनु 41 स्थान रे से फिनिश करथिले से ओलंपिक अभियान मात्र एबे जोटा देखुचंती 2021 रे जो टोकियो ओलंपिक रे आपण देखुचंती तांको प्रदर्शन बहुत उच्च कोटी रे रहिचंती केबे पि कोनोसी भारतीय आशा करिनथिबे अदिति एभली परफॉर्मेंस करिबे आपण देखंतु राउंड 3 सॉरी कि राउंड 4 चालिलाणी किंतु से तांकर स्थान बजाय रखिंट वर्तमान भी 2 नंबर केत नंबर पुणी आउ थे इंप्रूव हो 2 नंबर एमती से खेल प्रदर्शन करेणु आम जहाँ भी हेले गोटे सिल्वर किंवा ब्रोंज मेडल आम आशा करचु अन्य पक्ष आउ गोटे इवेंट गोटे आपड़ जोटा कहले 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग रे जोटा अच्छी भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया आज एरिना को ओल्लैबे तेणु निवे आप जानी वर्ग रे जो बजरंग पुनिया को गोटे प्रकार फेवरेट मना जाउथला मात्र से जो सेमीफाइनाल रे परास्त होई फाइनाल को प्रवेश करि पारलेनी तेणु आज से जो ब्रोंज पदक पाई से मध्ये आज लड़ाई करिवे सेबोली भाबे आपण जो नीरज चोपड़ा कथा कहुतले नीरज चोपड़ा जे की गोटाई अटेंड रे ही
क्वालिफाई करते जैवलिन थ्रो फाइनाल जी जन 32 प्रतिजोगी तुम्हारे सबुठू अधिक फिंगी नीरज चोप्रा नीरज चोप्रा जोटा रही 86.65 मीटर से डिस्टेंस कवर करते मात्र कैरियर बेस्ट होची 88 जोटा कि सी कि दिन पूर्वे पटियाला जो होता इंडियन ग्रांड प्रिक्स से हासिल करते पक्षे जदि देखा स्वर्ण पदक जर्मानी जी रही जैवलिन थ्रो खेला विक्टर और नीरज चोप्रा मध्य मुकाबला हे विक्टर जी कि 85 मीटर क्वालिफाइंग राउंड में फिंगी बेले कैरियर बेस्ट होती 99 मीटर तेणु नीरज चोप्रा और विक्टर मध्य गोटे कड़ा मुकाबला हे पदक ओके बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत साहू आम भुवनेश्वर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी रही है कोटा कोटी जो इवेंट रही पदक आशा रखुच्छे भारत जे समस्ते दमदार प्रदर्शन करंतु असे परवर्ती खबर को कोरोना महामारी मध्य राजधानी रे डेंगू निजर काय विस्तार कर चली राजधानी रे 800 अधिक डेंगू रोगी चिन्हट हेले एबेबी बीएमसी चेतापसिनी विभिन्न सरकारी कार्यालय रे पानी जमी रहुतिबारु एहा डेंगू मशा पाई सबुठ निरापद स्थान पलटिछि हेले दुई दिन चढ़ाव करे चुप बसी पड़िछि बीएमसी ए बाबत अधिक सूचना पाई आम सहित आम रिपोर्टर स्वप्नांचलि आम सहित जोड़े रही स्वप्ना आम देखुचु गोटे दिन पर दिन गणी चली डेंगू रोगी चिन्हट होती राजधानी किंतु बीएमसी चेता केबे पसिबो देखंतु माधुरी जो भाव में डेंगू संख्या वर्तमान धीरे धीरे बढ़ी चली राजधानीवासियों पर ये गोटे चिंतार कारण साजिश कहीं जदि डेंगूर आक्रांत संख्या कथा कह वर्तमान ता 831 पहुँचला जहाँकि जो संख्या को डरुले लोक मैंने जो संख्या गोटे टार्गेट पॉइंट थी जे 500 कौटना कौटी अधिक क्रस कर सारे वर्तमान राजधानी अनेक अंचल उत्तर जोन खासकर हॉटस्पॉट पलटि से शैलेश्वरी विहार कथ कहतु नीलाद्री विहार कथ कहतु वर्तमान से उत्तर जोन हॉटस्पॉट जो पलटी वर्तमान विभिन्न अंचल को जाइए आप घाटिकिया कथा कहतु विभिन्न विभिन्न अंचल वर्तमान जो डेंगू तार काया विस्तार कर चलती जो जो लोक मान वर्तमान भयभीत अच्छा कहीं कोरोना समय रे ये डेंगू कौटना कौटि लोक मान मुंड विंधार कारण साजिश सेपटे जब देखा जे लोक मान सामान अभोग आएमसी दुई तीन दिन चढ़ाऊ पर चुप बस जो भाव एनफोर्समेंट टीम लगे थिला काम करिया पाई मशा मान वंश वृद्धि स्थान जांच करी लार्भा नष्ट करिया पाई ताकू मध्य बंद कर देछि एवं सबुठू वर्तमान बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय होछि जो सरकारी कार्यालय गुड़िक रही जो फुलकुंड सजाया पाई बा परिवेश को सुंदर रखिया पाई सरकारी कार्यालय रे ए सब फुलकुंडर व्यवस्था कराई थिला वर्तमान सेठरु लार्भा सृष्टि होछि एवं मशा मान संख्या सेठरु वृद्धि होछि बोली कुआ जाय पारुछि एवं आउ जदि गोटे कथा कहबा जे बीएमसी रो ढिलापण जो वर्तमान जहाँ सूचना कैपिटल थाना रो तीन जन पुलिस कर्मचारी डेंगू रे आक्रांत हेले तो कौटना कौटी बीएमसी उपर प्रश्न उठुची जो एनफोर्समेंट टीम करथिला आशा कर्मी को निजुक्ति करथिला स्वास्थ्य सेवा पाई विभिन्न स्पेसिफिक बा विशेष करी टीम जो गठन करथिला सेमाने करुछंती कोन काहेकि की पूर्वरु बीएमसी रो चेता पसिलानी जे लोक मान को कौटना कौटी कोरोना सहित याकू डेंगू को मुकाबला करबा गोट कष्टकर व्यापार हबो तेणु कौटना कौटी राजधानी रे लोक मान चिंता वृद्धि कारण एवं डेंगू साजिश कहीं द्वितीय डोज रंतराल पहुंच सारापर वर्तमान द्वितीय क्षमा कर द्वितीय जो पर्याय रही करोनार तार अंतराल बेले वर्तमान तृतीय जो लहर आसला तेणु लोक मैंने डेंगू को नहीं जो भयभीत वर्तमान शैलेश्वरी विहार कथ कहतु नीलाद्री विहार कथ कहतु सबुठ गोटे पर केवल जड़े नुह एकाधिक लोक बर्तमान आक्रांत हेले संख्या धीरे धीरे कौटना कौटी बढ़ी चलती जहाँपाई कि बर्तमान सबु घरे वर्तमान डेंगू रोगी बढ़िले एवं सरकारी और बेसरकारी खाता जदि कह 831 केवल मात्र सरकारी ना हो जो कैपिटल कथा कहतु एम्स कथा कहतु आरएमआरसी कथा कहतु ये जो तीनोटी हॉस्पिटल वर्तमान डेंगू जो आक्रांत रोचान जो जाकर पॉजिटिव अच्छी डेंगू पॉजिटिव अच्छा कि ना ताकू टेस्ट करने वर्तमान टेस्टिंग कमला बेसरकारी खाता जदि देखा यह कौटिना कौटी अधिक हजार रु ऊर्ध हम लोक मानकर
अभियोग रही तेणु ग्राउंड जीरो रो रिपोर्ट यह दर्शाऊ सूचना दूसरी जो लोक मान अभियोग केवल मात्र भुवनेश्वर भली राजधानी में जब तीनो हस्पिटाल टेस्टिंग लोकसंख्या कौटि ना कौटि कम टेस्टिंग कम जार आधार में सरकारी खातार संख्या कमुची अभियोग रही टेस्टिंग कमी जा तो ये सब उपर आम कह गोटे पटे कोरोना महामारी कथा कहतु आग को बर्षा दिन चली सब भितर डेंगू रोगी अधिक मात्रा रे चिन्ह होती किंतु गोटे प्रश्न आसुची जे बीएमसी कहीं पूर्व सचेतन है ना कहीं लोक सचेतन करा ना बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्न आपंकर तमाम सूचना आग को जारी रहा खबर अभियान समय हो छोट ब्रेक ब्रेक पर स्वागत राजधानी रे आतंक राज्यपाला शुणी मुंटा बस्ती रे तुमूल कांड घटाई 30 रु अधिक युवक क्यारम खेल गंटगोल होगापर यह संघर्ष रूप नहीं सीसीटीवी रे कैद है आक्रमण पूरा दृश्य राजधानी रे दुर्वृत्तक आतंक राज क्यारम खेल को केन्द्र कर पड़ाशुणी मुंटा बस्ती में घटी तुमूल कांड विभिन्न मारणास्त्र धरी बस्ती में पशिते 30 अधिक युवक किसी बुझा आगर आरंभ करते आक्रमण ठेंगा और मारणास्त्र आक्रमण करने लोकों घर भांगी आक्रमण में अनेक संपत्ति नष्ट होता बेले किसी लोक आहत हो डाक्तखाना भर्ती होती घटना को नहीं बस्ती में तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाई किसी ना सी आम सेपट घर सी आई बुलाक एपट को मैंने साई पिला सांग जी अच्छा तो बुलाक आई बुलाक आई जी तो सागे सागे तो आटाक जी हाबुड़े पड़ी रोड जी हाबुड़े पड़ी पुलिस ही पहुंच रानी फेर पुलिस थिले हमें तो रोड बंद कलु भितर फेर थिले से माने लास्ट वाला हानी दे गेलो कि जणो को फेर हमें दौड़ गेलु एनएच बंद रु फेर दौड़ गेलु पुलिस सहित पुलिस बोली सब दौड़ गेलु हमें सब दौड़ गेलु से सब फेर से नार बटे सीधा पड़ेले चकई सेनी बटे देई भलो करी देखंतु एही सीसीटीवी फुटेज को किपरि मारणास्त्र धरी बस्ती रे पशुछंती दुर्बुत आ अमानुषिक भाबे रास्ता कड़ रे थुआ होइतबा ऑटो ओ बाइक को आक्रमण करूछंती ठेंगा ओ मारणास्त्र रे गाड़ी भांगीबा सह अटो को ओलटाई देउछंती गुरुवार कैरम खेल को नहीं किसी दुर्वृत्तक मध्य गंडगोल होता आ शुक्रवार संध्या रे एही घटना को केन्द्र कर तुम्बकांड घटाई दुर्वृत्त तेरे दुर्वृत्त मैंने जीवापर घटनास्थल में पहुंचा पुलिस मामलें जड़े गिरफ होता बेले अन्य धरवाक छानबीन चल पुलिस शुणी जो मुंडा साई बस्ती अच्छे से उत्तेजना देखा मिली गत कालीर झगड़ा कहीं जो क्यारम खेल छोट छुआ मैंने क्यारम खेलुले गत काली और से ही समय किसी पिला आसी बाड़बिटा करते गत कालीर झगड़ा को नजर रखी आज शांतिपल्ली बस्ती हो अन्न्य बस्तीर किसी 70-80 लोक आसी ये जो मुंडा साई बस्ती लोक मान घर एवं से हणाकटा कर सूचना मिली नजर पकाइबा परवर्त खबर पर झारसुगुड़ा एक घर डाक्तरखाना नारे संकीर्ण अभियोग ओवरडोज इंजेक्शन स्वास्थ्यकर्मी मृत्यु होता अभियोग भांगी जा गोड़ ऑपरेशन आसते किंतु ओटी को नहीं जा बेले चलीगला जीवन दोष लुचाइवा जा गुरुतर दर्शाई बुर्ला रेफर करते डाक्तर सेठे डाक्तर मृत घोषणा करते तदंत दोषी डाक्तर विरोध में कार्यानुष्ठान दावी करते परिवार लोके अपमृत्यु मामला रुजु कर पुलिस चिकित्सा डाक्तर भयंकर त्रुटि गोड़ ऑपरेशन आसी रोगी मृत्यु आनास्थेसिया ओवरडोज जो मृत्यु अभियोग दुर्घटना रे गोड़ भांगी जीवारु गुरुवार दिन झारसुगुड़ार घर नर्सिंगहोम संजीवनी को चिकित्सा आसी बेलपहाड़ बंजारी स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्यकर्मी भरत चंद्र साहू अस्त्रोपचार डाक्तर ऑपरेशन थिएटर को नेवा पूर्वरु प्रथमे भरत को निशा इंजेक्शन दिया गला किछि समय पई सब ठीक थिला
किंतु अस्त्रोपचार पूर्वर भरत स्वास्थ्यावस्था गुरुतर बोली बुर्ला रेफर करते सेठारे डाक्तर तांकु मृत घोषणा करते भरत मृत्यु खबर जाणीपर हतबाक हो जाइछन्ति परिवार এটা দেখুন জস্ট অপারেশন লাগ যাবার আগর গোটে পেসেন্টকে তার টোটাল টেস্ট না করি মানে জস্ট অ্যানেথেসিয়া ওভারডোজ দেবার লাগ বলি এটা হয়েছে ডেটটা কেন গোটে জস্ট জনে গোড় ভাঙি যাবার তো মরি না যায় ডাক্তার এটা ভুল করছে একদম আজ মোট বেহারা কাল আউ কাকে না হোক আর যে এমনি ভুল করছে তার প্রতি পুরা কঠোর শাস্তি হোক গোটে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি ছিল আজ্ঞা মোর ভাইটা আর যেহেতু এমনি অ্যাক্সিডেন্টে ডেড হয়েগেলা भरत साहू जने पुरुष स्वास्थ्यकर्मी भाव कोरोना समय रे भल काम करी लोकंक हृदय जीतिथिले गत 31 तारिख में बाइक रे जाउथो बेले गाड़ी सामना को गोटे कुकुर आसीजिबारु दुर्घटनार शिकार होइथिले परिवार लोकंक अभिजोग मात्राधिक निशा इंजेक्शन जोगु भरत कम मृत्यु होइछि सेपटे नर्सिंग होम कर्तृपक्ष अभिजोग को खंडन करिछन्ति हृदघातर मृत्यु होइछि डॉक्टर माने को कहवा नुए से तांको जना पड़ा कि बोधे हो पारे तांकर अटैक लगी अटैक हो पारे बोल से डरी गले कि कण हो अटैक लगुच आसीचे बोल के इसीजी कराला इसीजी जना पड़ा कि बोधे अटैक होती नियरेस्ट आईसीयू को संगे संगे रेफर कराला घर हॉस्पिटल रे रोगी जीवन सह खेल बड़ प्रश्न जड़े गोड़ ऑपरेशन पर आसी रोगी मृत्यु केमी हृदघात ना आनास्थेसियार ओवरडोज जिला स्वास्थ्य विभाग मामलार जांच कर झारसुगुड़ कैमेरा पर्सन संतोष दलाई सुरेन्द्र बारिक और बुर्लू ज्योति नंद अर्गस न्यूज अबेल चारि छोट पा छाड़ चलीगला माँ दिन मजूरिया बापा काम बाहर को गले घर दायित्व रोला दस वर्ष बड़ झील मामा डाक्तर हेबार स्वप्न को चपे तीन भाई भौणी माँ साजिता मामा अर्गस रे खबर प्रसारण पर असहाय को कोले नहीं जड़े समाजसेवी एवं मान को मिली आहार आश्रय आउ स्वप्न पूरा कर बाट चकाचक भौरी खेल भितर अनुभव करी शैशवर उत्साह हाथ को हाथ में छंदी एभली खेल निमग्न पिलांक भितर अछंती मामा आउ तार सान भाई हत चली विभिन्न प्रकार खेल केते बेले दुई दुई जन जोड़ी हुई खेलुछंती तो आउ केते बेले एकाठी समस्ते मिसी खेलुछंती सांगसाथी मानक मेलरे एभली खेलिबाकु मिलिबो किछि मास तळे आशा छाड़ी देथिले मामा खेलिबाकु इच्छा हेले सान भाई हत तार कुनी सान भाई को जाबुड़ी जाकी धरुथिला एमानक पाई शैशव थिला चपलामी विहीन निसंग जीवन अबेलरे माँ चली जापे बालिखेल छाड़ी दस वर्षर मामा बुझुला हाँशाल घर ओला बासन मजा सान भाई को खुआईदेबा जंजाल बुझु बुझु बाटबणा होगला पिलादिन आउ डाक्तर हेब बोली देखी आसीथिबा स्वप्न दिगहरा लगुला यहाँ नहीं अर्गसरे खबर प्रसारण होगापर समाजसेवी शारदा प्रसन्न महांति मुंडा साहि पहुंची आ पा बड़ मनीष करे प्रतिश्रुति कोलैने से दिन ठारु मामा वो हतपाई केवल ठिकना बदलनी बर निकटतर होने देखुवा स्वप्न एटि मिली सांग आहार आश्रय सांग को पाठ पढ़वार सुजोग आस्ते आस्ते नुआ परिवेश को आदरी जा दुहे केबे मुहरे मास्क वो नुआ पोशाक पिंधि टीवी आगरे बसिछि मामा निकटरे बसिछि हत मामार सबुठु भल सांग कई सावित्री आउ हतर सांग आकाश देवाशिष समस्ते एठी अछन्ति पढ़ा समय पढ़ा आउ अलग समय टीवी देखिबार सुजोग निजर नियारा एक घर भली पिलामानक श्रृंखलित चपलामी एठारे देखिबाकु मिलुछि मामा वो हतंक भली तीस पिलांकु कोळेइ नैछि रसुलगढ़ थिबा ई रामकृष्ण आदर्श विद्यालय मामा वो हत एक बस्ती परिवेश आसी
ଘରେ ବାପା ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁମା ଚନ୍ଦନା ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି। ମାମା ଡାକ୍ତର ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବ, ତା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିଥିବା ଚନ୍ଦନା କହିଛନ୍ତି। ମାମା ଏବିସିଡି ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଜରିଆରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଁ ଟିକେ ସେ ବେଶୀ ବାପାକୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଉଛି, ତା ସାନ ଭାଇକି ବେଶୀ ମନେ ପକାଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି ତା ପାଇଁ। ସେ କହୁଥିଲା ଡାକ୍ତର ହବ ବୋଲି, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଲାଗୁଛୁ ତା ପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଇକି ପଢ଼େଇବି। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ସେଦିନ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମାମା ଓ ଆଜିର ମାମା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଢେର ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଖେଳୁଥିବା ଚକାଚକ ଭଉଁରୀ ଖେଳ ଭଳି, କାହା ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରା ମହାପାତ୍ର। ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 25 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଯାଏଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନି ପୋଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଗୁହାରି ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ଓ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି? ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ତରଫରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଆଗେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିରେ ମେନ୍ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ, ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଆଗେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। 302 ଦଫା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ନଗେଇଲା, 302 ଆଉ 120 ବି, ଆଜି 25 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଏଠି ପୋଲିସ ଅନ୍ଧାର ବାଡ଼ି ବୁଲୁଛି? ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆମକୁ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ହେଲେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଘରେ ବସେଇ ଦେଉଛି। 302 ଦଫା ହତ୍ୟା ଦଫା ଲାଗିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୋଷେଇଆ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜିକି 25 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ହେବୁ, ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଆମେ ବାପା ମା' ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସଚିବଙ୍କ ଯେଉଁ ବଦଳି ହେଇଛି, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ବାହାରି ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ତ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସଚିବ ହୁଏତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତ ମେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବଦଳି ପଛରେ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପଛରେ, ହୁଏତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ବେଟର ସେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଛୁ ଆଗରୁ ଯେ ହେଉଛି ଡିଏଫ୍ଓ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନର ସେ ହେଡ଼, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିହାତି ଚିହ୍ନା ଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ତ ସେଇଟା ବି କହିପାରୁନୁ, କନଫର୍ମ ତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବଦଳିଟା ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ବି କ୍ଲିଅରଲି କହିହେଉ ନାହିଁ। ମେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ, କି ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି, କି କିଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏନେଇ ଜୟପାଟଣା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଆରଏସ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଗହରେ। ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜିଆରଏସ୍ ସଂଘ। ଗତକାଲି ବ୍ଲକ ଏପିଓ ସତୀଶ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ଟବେରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଜିଆରଏସ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଗହରେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ଲକ ଏପିଓ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପିଓ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ତୋ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ତୁ ଜାଣିନି, ସେଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ ବି ସେଟା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ପୁରା ଫିଲ୍ଡରେ ସାର୍ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି ସାର୍। ଏପିଓ ଏପିଓ ସତୀଶ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ମୋତେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ପଠେଇଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ ରଣମାଲ ବଟେମିର ସରି, ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କାମ,
ଭୁଲ ହେଇଛି କାମ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ଜିଆରଏସ୍କୁ, ସିଏ ଶୁଣିଲାନି। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଯେ ନିଜେ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆହୁରି କାମ କରିବି, ଏମାନେ କ'ଣ କାମ ଧାମ ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ସେଠି ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେ କାମ କରିବ, ଏଇ ଭୁଲ ଭୁଲ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତୋତେ ଆଗରୁ ତ ପଚାରିଲା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ତୁ ଠିକ୍ କହ ବୋଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆମକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇ ମେନ୍, ବିଇ ଓ ବିଟେକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପେପର ୱାନ୍ର ତୃତୀୟ ସେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 17 জন 100% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। 99.91% ମାର୍କ ରଖି ଅମନ ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଇ ଓ ବିଟେକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମୋଟ 7,09,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।